जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं भले चंगे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, इस समय हम आपको बता रहे हैं ऐसे उपायों के बारे में कि जिस उपाय में आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह के तंत्र हम आपको बता रहे हैं कि जिन तंत्रों को करने से आप बहुत ही आसानी से, जो आप संकट से जूझ रहे हैं, जिस समस्या का आप सामना कर रहे हैं, उस समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, हम जितनी भी चीजें हमारी रसोई में इस्तेमाल करते हैं, उसमें से ज्यादातर चीजें ऐसी हैं कि जिनका तंत्र शास्त्र में प्रयोग होता है और जिनसे कई सारे तंत्र किए जाते हैं, और उन तंत्रों के जरिए आम आदमी भी बहुत ही आसानी से अपना काम निकाल सकता है। तो यदि आप भी ऐसे ही नुस्खों में, ऐसे ही तंत्रों में रुचि रखते हैं, ऐसी जानकारी को देखना सुनना पसंद करते हैं, तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम हमारे चैनल में इसी तरह की जानकारियां देते रहते हैं। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति का विवाह ना हो रहा हो, उसकी आयु बीतती जा रही हो, लंबे समय तक उसका विवाह ना हो रहा हो, या किसी व्यक्ति का बार बार विवाह के लिए बात चल रही हो और विच्छेद हो जाता हो, बातें टूट जाती हो, तो ऐसे व्यक्ति को गुरुवार के दिन हल्दी को लाल कपड़े में लपेट करके वो जहां कहीं भी अपने वस्त्र रखता हो वहां पर रखना चाहिए। ऐसा करने से बहुत ही जल्द उसके घर में शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। दोस्तों, हल्दी जो है वो बृहस्पति को इंगित करती है, गुरु को इंगित करती है। गुरु वह होता है जो मार्ग दिखाता है। जब भी आप किसी समस्या में फंस जाएं, तो उस समस्या से जो आपको बाहर निकाल कर लेकर के आता है वही गुरु होता है। तो यदि आपके बच्चों का पढ़ाई में मन न लगता हो, यदि उनको पढ़ाई में काफी तकलीफें आती हो, तो हल्दी की एक गांठ वो जहां भी किताबें रखते हो, बुक्स रखते हो, या उनका जो भी बैग हो उसमें डाल दीजिए। बहुत जल्द आपको चमत्कारिक फायदे देखने को मिलेंगे। और यदि स्वयं जो व्यक्ति घर का मुखिया है और सारे घर की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति पर है, और वो व्यक्ति यदि लड़खड़ा रहा हो, मतलब उसकी आमदनी ना हो रही हो, उसका समाज में मान सम्मान ना हो रहा हो, यदि इस तरह की परिस्थिति से वो जूझ रहा हो, घर में बार बार संकट के बादल घिर आते हो, यदि ऐसा हो रहा हो, तो उस व्यक्ति को गुरुवार के दिन हल्दी की एक सूखी गांठ लेकर के उसको पीले धागे से पूरा लपेट दे, सूती का पीला धागा ले और उसको पूरा लपेट दे, और इसके बाद में सोते समय चुपचाप किसी को भी कहे बिना, बताए बिना अपने तकिए के नीचे रख ले, और फिर वो दिन में कहीं पर भी जाता है उस गांठ को अपने साथ में लेकर के जाए, रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे रख ले। बहुत ही जल्दी सारी समस्याओं का निपटारा होने लग जाएगा, समस्याएं सुलझने लगेंगी, जो भी उलझने थी उसका निवारण मिलने लग जाएगा। यदि फिर आपको ऐसा लगता है तो इस गांठ को आप कहीं भी जल प्रवाहित कर सकते हैं, अन्यथा इसको आप हमेशा अपने पास में रखें, ये हमेशा आपका साथ देगी, आपका काम बनाती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश, और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।